अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हम सबके। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूज्ड एसईओ क्या है। तो सबसे पहले यूज्ड एसईओ आपने इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने सिंपल जनरल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। जनरल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल ये वाला डैशबोर्ड नजर आएगा। इसके दो वर्जन होते हैं, एक वर्जन आसान अल्फाज में बेसिक वर्जन होता है और एक प्रीमियम वर्जन। हम इसका बेसिक वर्जन को यूज करेंगे। उसके बाद जनरल पे आने के बाद आपने सेटिंग के ऊपर यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। सेटिंग में सिर्फ आपने दो चीज़ें ओपन करनी है, एक आपने साइट एनालाइज को चेक मार्क करना है, उसके बाद रीडेबिलिटी एनालाइज को आपने चेक मार्क करना। अच्छे दोनों ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ। एसईओ एनालाइज से मुराद ये है कि आपके हर पेज के ऊपर, हर पोस्ट के ऊपर ये वाला टूल बताएगा कि आपकी इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, आपकी वेबसाइट की एसईओ और उसके बाद कीवर्ड प्लेसमेंट सही तरीके से हुई है या नहीं। और रीडेबिलिटी एनालाइज से मुराद ये है कि जो ओवरऑल कंटेंट है पेज के ऊपर, जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसकी रीडेबिलिटी क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चेक का मार करने के बाद आपने आ जाना है साइट बेसिक के ऊपर, ठीक है। साइट बेसिक के ऊपर आपने साइट का नाम देना है, अल्टरनेट वेबसाइट का नाम देना है, टैग लाइन आपने एक देनी है। टैग लाइन आसान अल्फाज में यहाँ पे ऊपर जो शो हो रही होती है होम पेज के ऊपर, वो टैग लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद टाइटल सेपरेटर। टाइटल सेपरेटर क्या है ये आप समझ लें कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, कैमरा बैकपैक $100, ठीक है। तो अच्छा ये स्लैश लग गया तो ये टाइटल सेपरेटर है, ठीक है। ये आप कुछ भी लगा सकते हैं डिफॉल्ट। साइट इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, साइट प्रेफरेंस को उसी तरह रहने देना है और चीज़ें यहाँ पे प्रीमियम है, ठीक है। तो उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ साइट रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। अच्छा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप एक पूरी कंपनी है या सिंगल पर्सन है। उसके बाद आपने यूज़र को सिलेक्ट कर लेना है, अपना यहाँ पे लोगो या अवैटर जो भी आपने अपलोड करना है उसको अपलोड कर देना। साइट कनेक्शन के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। अगर आपने बिंग बेदो सिर्फ यूज होता है चाइना में, चाइना का सर्च इंजन है, उसके बाद बिंग को यूज करते हैं, बिंग को कर लें गूगल। अच्छा जितने भी कोड्स है ना, ये वेब मास्टर्स के कोड आपको मिलते हैं गूगल सर्च कंसोल से, वो यहाँ पे बेस करना है। फिर आपको बिंग वेब मास्टर का जो कोड है वो मिलेगा। फिर पिंटरेस्ट अगर आपने करना है, येंडेक्स का करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आके पेस्ट करना है, आपका जो कोड है वो काम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आपके पास कंटेंट टाइप आता है। कंटेंट टाइप पे आपने सबसे पहले जाना है होम पेज के ऊपर, ठीक है। होम पेज का कंटेंट आपने चेक कर लें, जैसे आप वेरिएबल कोई लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करें साइट टाइटल, टैग लाइन, सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले थी चीज बताई थी, ठीक है सर। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप डिफॉल्ट कोई भी टैग लाइन, कोई सेपरेटर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद ये सोशल इमेजेस हैं, उनको रहने में फिर पोस्ट के ऊपर आप आ रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो ये सेपरेटर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ से लगा देता हूँ एक सेपरेटर, मैं इंसर्ट वेरिएबल के ऊपर करता हूँ और मैं यहाँ से लगा देता हूँ सेपरेटर, ठीक है। तो ये सेपरेटर यहाँ पे लग जाएगा, जो सेपरेटर मैंने यहाँ से बल्कि साइट बेसिक से लगाया था ये वाला। अगर मैं ये वाला लगाता हूँ तो ये हर पोस्ट के ऊपर ये वाला सेपरेटर लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा उसके बाद पोस्ट में और कोई चीज़ नहीं है, ये सारी प्रीमियम चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। पेजेस का भी सेम आप यही कर सकते हैं, उसका एलिमेंट के ऊपर भी आप सेम यही कर सकते हैं। कैटेगरीज टैग्स को फिलहाल छोड़ दें, हम तीसरी चीज़ के ऊपर जाते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के ऊपर हम चले जाते हैं। अच्छा जी इंटीग्रेशन में आपने कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी सी देखनी है, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ प्रीमियम चीज़ें हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि आप अगर अपना जो ये की यूज एसईओ ना ये SEMrush के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, अनेबल कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास विंचर आता है, ट्रैक योर रैंकिंग थ्रू टाइम विद विंचर, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम सारे टूल हैं, इनमें कोई भी आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ पोजीशन पे हम टूल्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। टूल्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने इनको छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी साइट पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फाइल एडिटर, बल्क एडिटर, ठीक है। जैसे फाइल एडिटर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कोडिंग की चीज़ें आपको मिलती हैं जिनको अगर आप यहाँ से छेड़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये जो डिसअलाउ है, ठीक है, इसके आगे सिर्फ स्लैश लगा रहे हैं आप, अगर डिसअलाउ के आगे सिर्फ स्लैश लगा दें, ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी साइट जो है ना डाउन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिसअलाउ का मतलब है कि कोई भी बॉट आपकी साइट के ऊपर ना आए, ठीक है।
जब आप स्लैश लगाएंगे तो इसका मतलब है पूरा आपका पूरी की पूरी वेबसाइट, सही है। उसके बाद हम यहाँ से बस यही चीज़ें हैं इसमें सेटिंग वाली, ठीक है। और इसी तरीके से बेसिक सा आपका एक यूज्ड एसईओ का जो प्लगइन है आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं।